प्यारे मित्र नमस्कार, मैं हूँ गुरमीत एमटीसी की ओर से। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम फैब्रिक पे लेडीज स्ट्रेट कट पैंट किस तरह कटिंग की जाती है। आशा करती हूँ आप सब ने कटिंग कर ली होगी। आज हम सिलाई शुरू करेंगे। अब सिलाई शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारी जो पैंट है उस पर हम ओवरलॉक मशीन चला ओवरलॉक का जो स्टिच होता है वो करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट टॉप से हम क्रॉच के एरिया पे आएंगे। क्रॉच से एरिया करते हुए फिर हम नीचे की ओर बढ़ेंगे। सिमिलरली जो साइड्स है उस पर भी आप ओवरलॉक कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी मशीन पे मेरा जो ओवरलॉक स्टिच है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी सिलाई मशीन है। अब इस पर मैं अपना जो स्टिच है वो एसेस कर दूंगी। ओके, एंड आई विल टेक, मैं यहाँ पे 24 नंबर का जो मेरा स्टिच है वो ले लूंगी। ओके, अब इससे मैं अपना ओवरलॉक स्टिच ना हम शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब जब हम ओवरलॉक स्टिच करेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप पहले पिनअप कर दीजिए फ्रंट को फ्रंट के साथ में और बैक को बैक के साथ में, और जो रॉन्ग साइड है वो आपकी ओर होनी चाहिए, यानी हमें फेस करे रॉन्ग साइड। तो अब मैं शुरू करूँगी, सबसे पहले जो साइड सीम्स है मैं वहाँ पर ओवरलॉक शुरू कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने ये अपनी मशीन लगा ली है ओवरलॉक स्टिच। यदि आपके घर में मशीन नहीं है, सपोज आप ओवरलॉक घर में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाहर भी करवा के लेके आ सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि पैंट सिलने से पहले हमेशा उसकी ओवरलॉक हो जानी चाहिए, यानी चारों पाइचों पे आप पहले ओवरलॉक फिनिश कर दीजिए। ओवरलॉक होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्रॉच है उस पर हम सिलाई लगा देंगे, फ्रंट एज वेल एज बैक। सो सबसे पहले आप क्रॉच को सिलाई लगा के ऐसे दोनों पार्ट रखिए एक दूसरे के ऊपर, ये बैक का बैक के साथ में, फ्रंट का फ्रंट के साथ में। ये ध्यान रखना है आपको, इसीलिए जब हम ओवरलॉक करते हैं तब मैंने पहले ही पिनअप कर दिया था फ्रंट के साथ में फ्रंट एंड बैक के साथ में बैक। सो इट्स ईजी फॉर अस, मतलब हमें कुछ परेशानी नहीं होती, इधर उधर उल्टा सुलटा भी नहीं होता। और ये ध्यान रखिए राइट साइड के ऊपर रखें, रॉन्ग साइड आपको फेस होनी चाहिए, जो गलत साइड है, जो रॉन्ग साइड है फैब्रिक की उल्टी साइड वो ऊपर रहनी चाहिए। ये तो हमेशा वैसे रहता ही है ध्यान, लेकिन आदत से मजबूर हूँ मैं। ओके, इस तरह से आते जाइए आप, और ये सब जितनी भी सिलाई है सब आपको डबल करनी है। और जब क्रॉच का कर्व आता है तो उस कर्व का एकदम मस्त, जैसा हमने कर्व का शेप दिया उसी शेप के अनुसार आप सिलाई करें। और डबल सिलाई लगा दीजिए इस पे। सो नाउ मेरा, अब ये मैंने क्रॉच के एरिया पे मेरी मशीन सिलाई लग चुकी है। अब ये फ्रंट है मेरा। ओके, तो अब हम सबसे पहले फ्रंट में हम प्लिट्स ले लेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फ्रंट में हमने प्लिट्स लेनी है। फ्रंट में हम प्लिट्स लेंगे इस तरह से, ये जो मेरा कर्व, ये जो मेरा कट है उसको इससे इधर से लिया और उसके ऊपर ऐसे रख दिया। ये एक प्लिट हमने इस तरह लेनी है, दिख रहा है आपको, से ये रहा कट, कट से ऐसे लिया और उसके ऊपर ऐसे रख दिया। या आप यहाँ से भी ले सकते हैं इस तरह से, बस आपको एक प्लेट लेनी है फ्रंट में दोनों साइड। ओके, सो अब हम प्लेट्स ले लेंगे अपनी कुछ इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है आपको, यस। दोनों को फेसिंग सामने सामने होना चाहिए, यहाँ इसका फेस सेंटर में है, सिमिलरली जो दूसरी साइड होगी उसका भी फेसिंग सेंटर में रहेगा। ये रही प्लेट्स हमारी, इसको ऐसे उठाया और इस तरह से ऐसे रख दिया। तो ये हमारी प्लेट्स लग चुकी है, आप देख सकते हैं मेरी दोनों प्लेट्स रेडी हैं फ्रंट की। ये रही एक एक प्लेट्स यहाँ पर है और एक प्लेट्स यहाँ पर है, बोथ फेसिंग इन द सेंटर। दोनों का मुंह एक दूसरे की ओर होना चाहिए, यानी ये जो ओपन पार्ट है वो सेंटर की ओर और इसका भी ओपन पार्ट सेंटर की ओर। ओके, अब हम जाएंगे अपने बैक में।
बैक का भी पहले आप इस तरह क्रॉच पे सिलाई लगा लीजिए और फिर हम वहाँ पर लेंगे प्लेट्स। अब ये बैक में हमने जो कट लगाया था, फ्रंट में भी लगाया था, बैक में भी लगाया था, तो यहाँ से मैंने 4.5 इंच का मार्क करके एक मार्किंग लगा दीजिए 4.5 इंच पे, मेरा ये रहा वो मार्क। ओके, तो जो हमारी जो टक्स रहेगी उसकी जो लेंथ है वो 4.5 इंच रहेगी। ओके, और टक्स किस तरह लेनी है, टक्स का मेजरमेंट का मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता चुकी हूँ मैं टक्स किस तरह लेते ली जाती है और क्यों लेते हैं हम। ओके, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। नाउ फिर भी मैं आपको इधर बता देती हूँ, ये जो हमारी जो मशीन चलेगी, सिलाई जो लगाएंगे हम, वो ऐसे इसको ऐसे पकड़ के इस तरह से पकड़िए, ये टक्स का जो कट है यहाँ से, एंड इसको भी ऐसे होल्ड कीजिए। ओके, अब जो हमारी जो सिलाई चलेगी वो थोड़ी स्लैंट चलेगी, यहाँ 1/2 इंच की ओर से आते हुए हम इधर मिला देंगे। और आप अपना एक निशान भी बना सकते हैं या आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, हल्की एक लाइन से एक हल्का सा लाइन ड्राइंग कर दीजिए तो आपको ईजी होगा। ओके, सो अब हम अपने टक्स लेंगे। ऐसे स्लेंट आते जाइए। सो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी और ये एंड हो गई यहाँ पर, तो हमने ऐसे स्लेंट लेनी है। अब इसको खोल के देखते हैं, ये देखिए इस तरह से अपनी ये टक्स हो जाएगी। ये बैक में लेनी है आपको। ओके, सो बोथ साइड से ले लीजिए बैक में। अब हम इस ओर आएंगे, अभी इस तरफ भी हम ले लेंगे एक टक्स। अब प्लिट्स और टक्स लगने के बाद आप क्या कीजिए, फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर ऐसे बिछा दीजिए। अब मैंने फ्रंट के ऊपर ऐसे बैक बिछा दी है, देखिए इस तरह से, और सबसे पहले क्रॉच का सेंटर मिला दीजिए, आप पिन कर दीजिए उधर, और फिर हम सिलाई लगा देंगे इनर सीम। ये जो इनर सिलाई है वो यहाँ से लगा, तो स्टार्टिंग करेंगे हम अपने एंकल राउंड से, नीचे की ओर से आते हुए यहाँ से हम शुरू करेंगे सिलाई, फिर सेमी डॉली आते आते रहेंगे ऊपर, एंड देन क्रॉच, क्रॉच से फिर अगेन द सेकेंड लेग, दोनों लेग्स इस तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। सो अब हम नीचे की ओर से आएंगे सिलाई करते हुए। इस तरह से आते जाइए आप। अब जब आप क्रॉच के एरिया में आएंगे, जब सेंटर में जो मिडिल पॉइंट है दोनों पाइचों का, वहाँ पर आप थोड़ा सा लॉक कर दीजिए उसको, इस तरह से लॉक कर देंगे, और फिर हम दूसरे लेग के नीचे की ओर आएंगे। सो अभी मेरा बेसिक एक रेडी हो चुका है स्ट्रक्चर, आप इसको डबल सिलाई कर दीजिए। इसमें पहले हमने इनर मशीन लगा सिलाई लगा दी, अब हम आउटर जो साइड की सीम्स है वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह पहले फ्रंट को आप बिछा दीजिए। ओके, अब जो लेफ्ट साइड है फेसिंग के वक्त, लेफ्ट साइड यानी ये इस तरफ आप 8 इंच पे एक निशान लगा दीजिए। ये 8 इंच हम छोड़ देंगे बिकॉज यहाँ 8 इंच पे अपनी जिप लगेगी। ओके, तो यहाँ पर एक निशान लगा दिया मैंने 8 इंच का, तो आप देख सकते हैं ये रहा 8 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया है। ओके, अब फ्रंट के ऊपर बैक रख कर इस तरह जहाँ हमारा 8 इंच का पॉइंट है वहाँ पर एक पिन लगा दीजिए। अब ये मैंने यहाँ पर पिन लगा दी, ये सिलाई हम बाद में लगाएंगे, पहले हम जिप अटैच करेंगे यहाँ पर। सो उससे पहले आप एक काम कीजिए, जो दूसरी साइड का जो सीम है राइट आउटर सीम है उसको आप इसे मिला के इस तरह से आप सिलाई लगा दीजिए। अब आप साइड में पहले जॉइंट कर दीजिए, साइड की सिलाई बड़ी सिलाई लगा लीजिए। ओके, इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हमें कोई गैप नहीं छोड़ना, बिकॉज जिप जो लगेगी वो हमारी दूसरी साइड लगेगी, जिस साइड जिप नहीं लगानी है वहाँ पूरी एक लंबी सिलाई लगा दीजिए। आते हुए हम मोहरी की ओर, मोहरी पर आके हम लॉक कर देंगे। ठीक है, एक पट्टी ले लेंगे अपनी, ये जो पट्टी है
उसको आप, ये मैंने पहले बैक बिछाया है, ये आप देख सकते हैं ये टक्स वाला पार्ट है, ये पहले बैक ले लीजिए आप। बैक को ऐसे रखिए सीधी साइड आपको फेस करते हुए, राइट साइड जो है आपकी पैंट की वो आपको फेस करनी चाहिए, यानी उल्टी साइड मशीन के ऊपर रख दीजिए आप। एंड ये जो पट्टी है 2.5 इंच वाली, उसे आप ले लीजिए। वैसे मैंने 2.5 इंच ऐसे रखा है, बट आप 2 इंच भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक इलस्ट्रेशन पर्पस इजी हो जाता है मुझे एक्सप्लेन करने में, सो मैंने 2.5 इंच लिया है। ठीक है, अब इस तरह से आप इसको मशीन लगा दीजिए, एक सिलाई लगा के इसको ऐसे किनारे पे लगाइए। ये जिप हम अटैच करेंगे इस पर। अब ये सिलाई लगाने के बाद आप इस तरफ एक सिलाई लगा देंगे, हम इस तरफ और एक सिलाई लगाएंगे, इसको पक्का कर देंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि सिलाई जो है वो पट्टी के ऊपर चले। अब जब ये सिलाई लग जाए किनारे पे, तब हम इसको इस तरफ और एक सिलाई ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे उल्टा कीजिए, ये कर दीजिए ऐसे, और हम एक इधर सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो इसे आप ऐसे इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपके धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे इस तरह करने से। दोनों चीज़ आपको दिखा देती हूँ, 2 इंच वाली भी इस तरह होगी, 2.5 इंच वाली भी होगी, जो आपको सहूलियत हो आप उस हिसाब से कर दीजिए। ठीक है, इसको मैंने इसको फोल्ड करके दिखा रही हूँ आपको। अब ये हमारी एक पट्टी इस तरह लग चुकी है, ये हमने बैक पे लगाई है। अब हम फ्रंट पे लगाएंगे, फ्रंट पे भी इसी तरह करना है। फ्रंट को आप इस तरह सीधी साइड आपकी ओर रखते हुए ये पट्टी हम इस तरह इस प्रकार ऐसे लगा देंगे, किनारे पे एक सिलाई लगाइए आप। ठीक है, ध्यान रहे कि पट्टी सीधी ओर रखनी है, जो सीधी साइड है हमारी उस पर पट्टी रहेगी, हमारी राइट साइड पर हमेशा पट्टी रखें, क्योंकि ये पट्टी अंदर जाने वाली है। ओके, अब ये हमारी सिलाई लग गई। अब हम वापस फिर से इसी प्रकार करेंगे, यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, दाब सिलाई जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह रखिए आप, एंड एक मशीन फिर से एक सिलाई लगा दीजिए इसमें। ये सिलाई, ये हमारी दाब सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके फिर एक सिलाई हम ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ लगा देंगे। ओके, इस तरह। अब हम इसमें ज़िप लगाएंगे, ये ज़िप आप देख सकते हैं, इसको इनविजिबल ज़िप कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे मेरी पैंट तो पिंक है, मैंने वाइट क्यों लिया है, लेकिन आई वॉज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम, टाइम नहीं था मेरे पास, और शॉप वाले के पास कलर भी नहीं था, सो मैंने सोचा चलो कोई नहीं वाइट ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्योंकि ये पैंट मेरी कज़िन की ही है। अब आप देख सकते हैं ये ज़िप जो है इस प्रकार होती है कि जो उल्टी जो साइड है, ये उठा हुआ पार्ट है वो रॉन्ग साइड होता है, और ये जो है वो राइट साइड होती है। ओके, और यूजुअली लेडीज़ कपड़ों में यही ज़िप लगाई जाती है। ये ज़िप का फ़ायदा होता है, ये होता है कि एकदम आसान होती है लगाने में, एंड सेकेंडली ये ज़िप इनविजिबल होती है, लगाने के बाद भी पता नहीं चलती हमने ये ज़िप लगाई है। अब सबसे पहले आप ज़िप को खोल दीजिए। ठीक है, और ज़िप की जो रॉन्ग साइड है, यानी ये तो सीधी साइड है, रॉन्ग साइड जहाँ ये ऐसा है, ये ज़िप का जो हमें दिख रहा है, इस तो आप इस तरह रखें। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये जो मेरी पट्टी है उस पर इस तरह रख दीजिए आप। नेक टू नेक नहीं लगाना है, ये देखिए जो मेरा जॉइंट है वहाँ पर, उससे थोड़ी मैं दूर पे हूँ, जहाँ मैंने दाब सिलाई थी मेरी उसके पास पे ही मैं रहूँगी, और इस तरह से आप एक पहले सिलाई यहाँ लगा दीजिए। हमने ज़िपर फुट लगा दिया है, और हम अपनी ज़िप लगाएंगे। ज़िप को कहीं भी खींचतान नहीं करनी है, एकदम स्लोली एंड स्विफ्टली जाना है आपको। अब इस तरह से आप ज़िप लगाइए आराम से।
अब ये सिलाई लगने के बाद एक सिलाई आप यहाँ पर भी इस एज पे भी लगा दीजिए। ओके, अब हम इस और लगाएंगे सिलाई इस किनारे पे जिप, ताकि ये जिप हमारी इंटैक्ट रहे, हिले ना, इधर उधर होती रहेगी नहीं तो। ओके, सो हमारी ये जिप लग चुकी है। अब हम जब हम सिलाई करेंगे तो ये ऐसे अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरी ओर लगाएंगे जिप को। अब हमें जो फ्रंट के पार्ट में जिप लगानी है इस पट्टी पर, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इस जिप को बंद कर दीजिए। इस तरह से हमने बंद कर दिया, दोनों पट्टियों को आपस में मिला दीजिए। ये हमारा इधर ऐसे मार्किंग रहता है, ठीक है, इस तरह से मिला दीजिए, दिख रहा है आपको? ठीक है, अभी मैंने जिप नहीं लगाई है, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ऐसे हम मिला लेंगे ये, ताकि हमारी जिप एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट रहे। ओके, अब मिलाने के बाद, अब ये दो पट्टियाँ मिलने के बाद इस प्रकार इसे ऐसे खोलिए आप जिप को, पट्टी को। ओके, ये पट्टी मेरी इस तरफ है, अब यहाँ पर इसे ऐसे पकड़ के ऐसे पिन कर लीजिए। पहले एक पिन लगा देंगे आप तो क्या होगा, वो इंटैक्ट रहेगी अपनी जगह पर। इस तरह से आप लगा दीजिए पिन। ओके, अब इसको हम खोल सकते हैं बड़े आराम से। अब इसको खोलने के बाद ये देखिए हमारी जिप इस तरह इस पोजीशन में है। अब इसी पोजीशन में आपको पहले सिलाई एक यहाँ लगानी है और एक यहाँ लगानी है, ठीक है। आप चाहो तो आप इस पिन को आप कहीं और भी ऐसे रख सकते हैं, ताकि ये अपनी जगह पर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और एल्स क्या होगा कि जिप मेंटेन अगर पोजीशन सेम इक्वल नहीं रहेगी तो जिप चलेगी नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएगी। ओके, सो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर एल्स या फिर ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर पूरा निकाल के फिर से लगानी पड़ेगी हमें। सो इस बात का थोड़ी सी पेशेंस रख के भी आप करिए तो भी अच्छा रहेगा। सो लाइक दिस, ओके, ठीक है। अब हम सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हम पहले इस साइड पे मशीन लगाए सिलाई लगाएंगे। अब ये यहाँ पर हमारा एंड आ चुका है, उसे लॉक कर दीजिए आप। ओके, अब हम इस साइड भी चल सिलाई लगा लेंगे, इसे लॉक कर दीजिए। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ मेरी जिप लगी हुई है, एंड रियली इट्स इनविजिबल, आपको दिख ही नहीं रहा है कि मेरी जिप लगी हुई है। अब देखिए जादू, यहाँ पर है हमारी जिप, देखिए दिख रही है? सो इट इज़ कॉल्ड इनविजिबल जिप। ये हम लग चुकी है, अब हम इंटरनल मशीन जो अंदर से मशीन लगानी सिलाई लगानी वो लगाएंगे। अब जिस साइड हमने जिप लगाई थी, ये रही वो जिप। ओके, उसी का लेग का जो एंकल राउंड है वहाँ से आप शुरू करिए सिलाई लगाना। इनर सीम हम लगा देंगे अब। हमारे जो जिप है वो आने वाली है। इस तरह से आते जाइए। हमारा 8 इंच का निशान आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा निशान, वहाँ पर आप एक सिलाई लॉक कर दीजिए उसको। सो अब मेरी ये मशीन फिनिश हो चुकी है सिलाई लगाना। अब आप देख सकते हैं, एक सेकेंड। सो दिस, ये हमारा जिप का प्रोग्राम फिनिश हो गया। ये जिप मेरी इसमें है, अब मैं इसमें ऊपर हम बेल्ट लगाना देखेंगे। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली थोड़ा भी मैंने इसको आयरन करेंगे हम तो ये अच्छा हो जाएगा, इस तरह बैठ जाएगा, पता नहीं चलता है। ये जिप लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बेल्ट किस तरह लगानी है।
तो बेल्ट लगाने से पहले सबसे पहले अपने जो कमर का जो वेस्ट राउंड है उसको आप नाप लीजिए, यानी एक किनारे से शुरू करते हुए मेजर टेप को गोलाई में लेके जाइए और दूसरे किनारे पे आके रुक जाइए। तो इस तरह से आपको अपने वेस्ट राउंड जो कमर है वो पूरी कमर का नाप मिल जाएगा। अब आपकी जितनी कमर है वो आप पहले नोट करिए, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। 1 इंच हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ पर हुक लगाना है, जो पैंट के हम इसमें हुक भी लगाने वाले हैं हम पैंट में। सो यहाँ मेरा 40.5 है, 1 इंच ऐड किया तो 41.5 इंचेस। तो हमारा जो बेल्ट जो रहेगा दैट विल बी ऑफ 41.5 इंचेस। सी देखिए, अब इस 41.5 इंचेस का ये मेरा टोटल बेल्ट है। इसको आप एक कपड़े पर स्टिक कर दीजिए, ओके, आयरन कर दीजिए, तो ये एकदम स्टिफनेस से बैठा रहेगा वहाँ पर, ओके। अब ऊपर 1/2 इंच का अलाउंस रखते हुए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कीजिए और दूसरी ओर भी 1/2 इंच आप अलाउंस छोड़ दीजिए। ये 1/2 इंच अलाउंस हम लोग उसको अंदर मोड़ने के लिए रखते हैं, यानी ये बेल्ट अटैच होने के बाद ऐसे फोल्ड करेंगे हम उसको। सो इसके लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ओके, ये आप ध्यान रखिए और एकदम अच्छे से इसको आयरन कर दीजिए कपड़े को, ये बेल्ट को कपड़े पे अच्छे से आयरन कर दीजिए सो दैट स्टिक हो जाए, ओके। अब इसमें ये जो फिनिशिंग आप देख सकते हैं, इस अब सबसे पहले हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड कीजिए आप पहले, और पहले हम दोनों साइड्स पे सिलाई लगा लेंगे, जो बेल्ट की जो साइड्स हैं दो उस पे हम सिलाई लगाएंगे ये वाली साइड से, ओके। अब ये साइड से पहले आप एक बिल्कुल उसके किनारे पे, कैनवास की किनारी टू किनारी पे आप सिलाई लगाएंगे। पहले आप पिनअप कर दीजिए उसको ताकि वो का फैब्रिक हिले ना, ओके। अब हम ये एज पे सिलाई करेंगे ये वाली, ओके। अब ये ध्यान रखिए कि जब सिलाई करेंगे तो हम बिल्कुल उसके कैनवास के बाजू से ही पास होनी चाहिए, कैनवास के ऊपर ना चले, अनलेस और एल्स फिर क्या होगा, हम जब उसे पलटेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। सो इस बात का खास ध्यान रखें कि ये सिलाई हमेशा साइड से होनी चाहिए और बिल्कुल इसकी एज टू एज होनी चाहिए कैनवास के। दूसरी ओर भी हम ऐसे करेंगे। अब आप देखिए मेरा थोड़ा जॉइंट कम था पट्टी कैनवास की, सो मैंने जॉइंट लगा लिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 पीसेस पड़े हैं आप उसको भी जॉइंट कर सकते हैं, ओके। इसको फिर से पिनअप कर दीजिए। अब पिनअप करने के बाद हम इसमें साइड में सिलाई, वैसे पहले आप देख लीजिए मार्किंग, और इसके साइड में हम सिलाई लगाएंगे एकदम एज टू एज, ओके, जो साइड से उसके। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि सिलाई साइड टू साइड ही होनी चाहिए, और जब सिलाई करेंगे तब कैनवास का पार्ट ऊपर रखिए आप सिलते वक्त, ठीक है, इस तरह से, ताकि वो अपने आप को दिखती रहे कि मेरी एज कहाँ पर है, ओके। सिमिलरली दूसरी साइड में हम इस तरह ही करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने एक साइड लगा चुकी हूँ मैं सिलाई, ओके। अब दूसरी ओर भी लगाएंगे हम, दूसरी साइड लीजिए और कैनवास ऊपर की ओर रखते हुए आप सिलाई लगाइए कुछ इस तरह से। और लॉक जरूर करें हमेशा सिलाई को। अब आप देख सकते हैं हमारी सिलाई लग चुकी है दोनों साइड। अब आप जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है अपना उसे हम ट्रिम कर देंगे, काट देंगे उसको हम। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइड से उसे काट दीजिए, और एल्स वो अंदर फिर बेल्ट मोटा मोटा दिखेगा, ओके। सिमिलरली दूसरी साइड से भी काट दीजिए आप। अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के लिए इस तरह से इसको अंदर कर दीजिए बेल्ट को, और फिर एक कोई पॉइंटेड पिन से या कुछ चीज़ से आप इसका पॉइंट निकाल दीजिए। ये मैंने प्लास्टिक की, मेरे पास एक नीडल है उससे मैं पॉइंट निकाल देती हूँ, ओके। आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन बहुत पॉइंटेड ना हो, कहीं कपड़े में वो होल ना हो जाए, ओके। ये बात का ध्यान रखते हुए इसको ऐसे दबा दीजिए आप। सेम वे दूसरी साइड भी हम करेंगे। देखिए पलट दिया हमने कैनवास को, अंदर कपड़ा बाहर और पॉइंट निकल जाएगा इस तरह से, ओके। सो ये हमारी बेल्ट पूरी तरह से अभी रेडी हो चुकी है। अब बेल्ट में जो क्या है कि जो
ये स्टिक हुआ हुआ पार्ट है ये बाहर की ओर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा फिनिश्ड पार्ट रहता है तो इसको हम बाहर की ओर रहेगा। और ये जो खुला हुआ पार्ट, ये जो खुला हुआ फैब्रिक है, ये हम बेल्ट, ये पैंट की अंदर की साइड जुड़ेगा। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब जोड़ेंगे तब हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखिए, अब सब बेल्ट लगाने से पहले सबसे पहले जो जिप के जो मेरे खुले हुए दोनों हिस्से पार्ट है उसको आप ऐसे सिलाई कर दीजिए, ऊपर से दोनों ओर सिलाई कर दीजिए ताकि जिप अपनी जगह पे अटैच रहे हो जाए। अभी तक तो ये खुली थी जिप हमारी। ओके, इस तरह से पहले आप रखिए और सिलाई लगा दीजिए तो ये दब जाएगा पार्ट। ओके, ये तो इस भाग को हम ऐसे सिलाई से मजबूत कर दें, पक्का कर देंगे तो ताकि जब हम बेल्ट लगाएंगे तो ये आगे पीछे नहीं होगा। और जब दूसरी ओर सिलाई लगाए तो जिप खोल दीजिए आप, तो आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। कुछ इस तरह से आप देखिए। ओके, हम बेल्ट लगाएंगे अपने पैंट। अब हम यहाँ ओके जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बेल्ट है उसको ऐसे बिछा दीजिए, जो चिपका हुआ साइड है वो नीचे की ओर। ओके, अब ये जो खुला हुआ है उसको इस तरह से ऐसे रखिए और ऐसे बेल्ट को पिन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा फैब्रिक है वो इंटैक्ट रहता है, दोनों फैब्रिक इंटैक्ट रहेंगे, वो तो चिपका हुआ है ही लेकिन ये जो पार्ट है वो भी इंटैक्ट रहता है। सॉरी। अब सिमिलरली आप इसे पूरी बेल्ट पे इस तरह से आप पिन लगा दीजिए। ओके, अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अब ये जो मेरा जो कैनवास है ये जहाँ आता है जो इसकी एजेस है वहाँ पर आप एक ऐसे निशान लगा दीजिए। आप देख सकते हैं इस तरह निशान लगा दीजिए इनर साइड में, वो अपने आप, या तो मेरा तो सिंथेटिक कपड़ा है तो इंक, ये मीन्स इंक अंदर जा ही रही है, लेकिन सपोज आपका कॉटन है तो आप इसको फिर दूसरी तरह बताते हो। इस तरह पहले आप इधर निशान लगा लीजिए एच टू एच, और फिर इसके बाद वंस अगेन आप इससे कीजिए तो आप अंदर की ओर भी आ जाएंगे। अंदर की ओर भी आप इस तरह निशान लगा दीजिए, इसे पूरे बेल्ट में निशान लगा दीजिए। ये निशान मैं क्यों लगा रही हूँ, ये निशान से हमें एग्जैक्ट आइडिया रहेगा कि हमारा बेल्ट जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब ये फैब्रिक आधा इंच हमने जो अलाउंस लिया है कभी आगे छोटा मोटा कट जाता है, नहीं ये इक्वल लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, ये इसके एज टू एज हम निशान लगाएंगे कैनवास के तो ये एकदम सीधी लाइन आएगी। ओके, अब हम देखते हैं इसको अपने पैंट के साथ अटैच करना। अब ये हमारी बेल्ट हमारी पैंट के साथ अटैच होगी कुछ इस तरह से। ओके, तो ये जो पार्ट है वो स्टिक पार्ट है, जो चिपका हुआ पार्ट है। ओके, ये हमें रखना है बाहर की ओर। ओके, यानी जो राइट साइड है फैब्रिक उसको राइट साइड को ही रहेगा, ठीक है, इस तरह जॉइंट होगा। ओके, अब हम देखते हैं इसको सिलाई किस तरह करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी पैंट का बैक ले लीजिए, जो बैक पार्ट है वो क्या है, हमारा टक्स है। ओके, उस पर आप ये बेल्ट को उल्टी साइड अंदर की साइड रखिए ऐसे, और ये एज टू एज मिलाते हुए इस तरह से ये एज टू एज इस तरह मिलानी है आपकी, ये जिप इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है ऐसे, और हम सिलाई करेंगे इस तरह से, इस पे हम सिलाई करेंगे। और आप चाहो तो ये जो मैंने पिन लगाई है इसमें बेल्ट में, आप ऊपर भी लगा सकते हैं पिन इस तरह से, या फिर एक सिलाई लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रहे बाद में वो सिलाई आप खोल देना, तो उसे लॉन्ग स्टिच कर दीजिए आप तो वो भी ईजी रहेगा। ओके, बट बाद में ध्यान रखना खोलने के लिए, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगेगी मशीन। ओके, अब हम सिलते हैं। और आपको और सहूलियत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बेल्ट को पहले इस तरह पिन कर दीजिए। ओके, बेल्ट के साथ में पैंट हम अटैच करके इसको पिन अप कर दीजिए, तो ये क्या होगा आपको इजी रहेगा, दो तीन पिन लगाएंगे तो भी चलेगा, फिर एक बार शुरू हो जाएगा फिर आप आगे आगे आराम से निकल जाएंगे। अब आप आराम से, खींचना नहीं है कहीं भी, सिलाई लगा दीजिए इस तरह से। हमने पिन कर दिया है पैंट को तो और भी आपका काम फटाफट हो जाएगा। और ये ध्यान देते रहिए कि आपकी सिलाई, देखिए मेरी सिलाई निशान के ऊपर ही आ रही है, ये जो सिलाई है, ठीक है, ऐसे दोनों पार्ट आने चाहिए पैंट एज वेल एज द बेल्ट।
ये ध्यान रखना है कि आपकी ये जो पैंट है उसका सीधा साइड जो है वो सीधी साइड ऊपर रहनी चाहिए आपको फेस पर। ओके अब आप देखिए मैं एंड पे आ चुकी हूँ। जब जिप आएगी वहाँ पर आराम से सुई आपको करनी है, सुई टूटे ना आपकी, लॉक कर दीजिए। सो नाउ मेरी ये पूरी बेल्ट अब पैंट के साथ में जुड़ चुकी है। एक मिनट दिखाते हैं, एक सेकेंड, ये रही। ओके ये हमारी बेल्ट का पार्ट, ये लाइन टू लाइन आप देख सकते हैं जो मैंने निशान लगाए थे उसी पे हमारी मशीन आ रही है। ओके अब हम इस बेल्ट को ऐसा मोड़ देंगे। एक सेकेंड, अब ये हमारी बेल्ट जुड़ चुकी है। ये जो पार्ट है वो जुड़ा हुआ पार्ट, इसको ऐसे सीधा कर दीजिए आप, यानी जो स्टिकिंग वाला पार्ट है वो ऊपर आ गया है। अब ये जो कॉर्नर है इसको ऐसे अंदर करिए इस तरह से ऐसे, और अब ये जो मशीन है वो इसको ऊपर हम ये जो हमारा चिपका हुआ कैनवास है उसके ऊपर इस तरह फोल्ड करते हुए ऐसे हम इसकी एज पे सिलाई लगाएंगे। इसे जैसे पैंट के ऊपर ऐसे रख दीजिए और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। देखिए जब आप ये सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा चेन का ध्यान रखें, यहाँ हमारी जिप है। ओके सो थोड़ा ऐसे उठाइए फिर आगे ले आइए, ओके वरना सुई टूटने का डर है। और ये जितना भी है ये पार्ट ऐसे अंदर होगा हमारा और इस तरह से ये बेल्ट ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे इसको अंदर करते हुए ये पार्ट को, इसको ये जो चिपका ये जो पार्ट है वो चिपका हुआ है उसको अंदर ऐसे कर दीजिए इस एक्स्ट्रा कपड़े को, और ऐसे बेल्ट को ऐसे बीच रख दीजिए ऐसे। ठीक है, और इस एज पे हम सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से। इसे आप सिलाई करते रहिए, इस तरह से आते जाएंगे। सॉरी, ये ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही ऐसे अंदर जाता रहेगा, ये पार्ट इस पर सिलाई लगती रहेगी। इस तरह से हम आते जाएंगे। ओके अब यहाँ पर आके हमारा ये एंड हो जाएगा। इस तरह से जब हम आएंगे इस पर ये मुड़ जाएगा और ये हमारे यहाँ पर हुक लग जाएगा। सो अभी हमारी बेल्ट आप देख सकते हैं पूरी तरह अटैच हो चुकी है। ओके अब हम पहले इसमें अब मोहरी जो है नीचे एंगल राउंड उसको इस तरह से फोल्ड, हमारा 2 इंच है ऐसे करके हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम मोहरी मोड़ देंगे अपने पाइचे की। ओके सो अपनी पैंट ऑलमोस्ट रेडी है। आशा करती हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, यदि आते हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। तरह से फोल्ड कर दीजिए पूरी मोहरी को, खींचतान नहीं करनी है। इसे देखिए अब मेरे ये फिनिश हो गई, यहाँ पे ब्लॉक कर दीजिए। ओके तो इस तरह से आपके दोनों साइड आप मोड़ दीजिए। ये देखिए अभी हमारी ये एंकल रन मुड़ चुका है। ओके और उसी तरह से हम दूसरी ओर भी मोड़ेंगे, ऐसे पहले ऐसे फोल्ड किया देन इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी दोनों मोहरी मुड़ चुकी हैं। ठीक है, ये मोहरी हमने मोड़ दी। अब आप ये देख सकते हैं ये अपने जिप एरिया है। ओके ये रहा, आप इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए एकदम बैठ जाएगा। और यहाँ पर अब हम दो पैंट के हुक्स जो मिलते हैं यहाँ डंडियाँ आएंगी उसकी दो, और यहाँ पर हुक आएंगे, इस तरह से आप उसको लगा दीजिए। ओके एंड सम टिप्स कि सपोज आप बिगिनर हैं, आपने फर्स्ट टाइम ये पैंट सिल रहे हो
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ कॉटन का कपड़ा लें, बिकॉज़ ये सिंथेटिक कपड़ा है, बहुत फिसलता है। और कोई भी आप फर्स्ट टाइम जब कोई भी आप फैब्रिक या गारमेंट सिलते हैं तो आप ना उसको कॉटन पे ही सिलिए, क्योंकि कॉटन जो है एकदम बैठ जाता है, चिपक जाता है कपड़ा, वो इधर उधर फ्रेइंग नहीं होता है उसके अंदर। सो एक एक बूस्ट होता है, एक मोरल भी बूस्ट होता है कि हमने सिला, हमें अच्छा लगा। पर यदि आप सिल्क के कपड़े लेते हैं तो क्या होता है, ये कपड़े एक तो पहले ही स्लिपरी होते हैं, थोड़े स्लिप होते रहते हैं, तो इसे संभालना बहुत पड़ता है हमें सिलते वक्त, टाइम कंज्यूमिंग जॉब हो जाता है। एंड द बिगिनर्स वॉन्ट कि जैसे हमने अभी स्टार्ट किया, एंड वी शुड फिनिश इट एट अर्लीस्ट एंड विथ फिनिशिंग। सो फॉर दैट आप हमेशा कॉटन के कपड़े पर ही स्टार्ट कीजिए, एंड एक बार आपकी एक्सपर्टीज आ गई देन यू कैन, आप फिर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आप सिल्क के कपड़े भी सिलने लगेंगे। ओके तो हम हुक लगा के मैं आपको ये फिनिश प्रोडक्ट दिखाती हूँ। अब सबसे पहले आप ये दो हुक लगा दीजिए इस तरह से, और फिर इसके बाद उसकी जो दो डंडियाँ आती हैं वो भी आप मेजर, पहले आप मेजर कर लीजिए आपकी कमर का जो राउंड है उसके हिसाब से, फिर आप पॉइंट मार्किंग करके वो दोनों हुक लगा दीजिए। ये देखिए हमारी रेडी पैंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इतने लंबे वीडियो के लिए मेरे साथ में रहे तो फॉर थैंक्स फॉर दैट ऑल्सो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड या द थ्री फंडामेंटल राइट्स ऑफ व्यूइंग यूट्यूब वीडियोज़, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूले। सो यहीं पे हम एंड करूँगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।